मणिपुर का जो घटना घटी है ये तो बहुत दुख का बात है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत संवेदनशील है। जो वीडियो सामने आए हैं, मणिपुर का बेटी देश का बेटी है, लेकिन हम लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं। ये पंचायत चुनाव के नाम से ये खून का चुनाव हुआ, जो संतराष का चुनाव हुआ, जो महिला के अत्याचार के ऊपर चुनाव हुआ, ये चुनाव नहीं है, ये भी महिला लोगों का एक अत्याचार का एक पिक्चर सामने आया। बहुत सारा घटना महिला के ऊपर घटती है। लास्ट 12 साल में आप देखिए तो ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बार बार महिला के ऊपर घटना घटती है। इस पंचायत चुनाव में 8 जुलाई डे ऑफ इलेक्शन पांचला में एक महिला कैंडिडेट था ग्राम सभा, उसको बूथ के अंदर जाके उसको मतलब FIR भी किए हैं, बूथ के अंदर जाके उसको विवस्त करके उसको सामने उसको प्राइवेट पार्ट में उसको टच करके ये सब बदतमीजी किया। अब डोमजूर में 11 जुलाई काउंटिंग के दिन एक तृणमूल का कैंडिडेट, मैं बोलना चाहती हूं महिला है, TMC का ही कैंडिडेट है, काउंटिंग के रूम के अंदर में जाके उसको मतलब इतना उसका अत्याचार किया। उन्होंने भी खुद मीना जाना, उन्होंने भी खुद FIR किया डोमजूर से। आप देख रहे हैं कि वहां का कुछ वीडियो नहीं है, वीडियो वायरल नहीं हुआ, कोई वहां पे जाके ऐसा वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे तो गन लेकर सब काउंटिंग रूम में चला गया ना, सब गन लेके बम लेके गया, महिला को सामने खड़ा करके उसको बंदूक देके सर पे बंदूक लगा के उसको नेकेट किया, उसका अत्याचार किया। तो उसका कोई जांच नहीं होगा, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कालियागंज में पंचायत चुनाव के पहले एक महिला, एक दलित महिला, राजवंशी महिला को उसको अत्याचार करके उसको खून कर दिया, उसको खींचते खींचते पुलिस लेके जा रहे हैं, वो भी वीडियो आपके सामने आए हैं। ये वीडियो जब वायरल होता है तब हम लोग बात करेंगे।